भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी अतुल कुमार अंजान ने झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदाताओं से अपील की है कि वाम जनवादी ताकतों को वोट करें। वे आज यहां अल्बर्ट एक्का चौक स्थित भाकपा राज्य कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में खान खनिज को बचाने, यहाँ के लोगों को रोजगार देने और समग्र विकास को गति देने की जरूरत है, परंतु इन मुद्दों पर पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता में भारी निराशा है। अंजान ने कहा है कि जनता की निराशा के कारण ही मतदान प्रतिशत में गिरावट है। यह गिरावट बताता है कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से जनता को मोह भंग हुआ है। उन्होंने झाविमो और आजसू से सार्वजनिक अपील की है कि वे किसी भी कीमत पर भाजपा को सरकार बनाने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों दलों ने भाजपा सरकार की आलोचना करके ही मतों को प्राप्त किया है और आलोचना के मतों को कृपया समर्थन के मतों में ना बदले। श्री अभय चौटाला, श्री अजय चौटाला और उनके दुष्यंत चौटाला के ग्रैंडफादर ओम प्रकाश चौटाला को जेल से शपथ लेने के बाद ही छुड़वा लिया। भारतीय जनता पार्टी जो नीति और नियत की बात करती है और नैतिकता की बात करती है, ये देख लीजिए नैतिकता कहाँ है कि जिसके खिलाफ, जिस अभय चौटाला, अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अभियान चलाए थे पूरे तीन एक साल से चुनाव में, उन्हीं को लेकर के सरकार बना रहे हैं, उन्हीं को जेल से छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं झारखंड के प्रबुद्ध मतदाताओं से, युवाओं से और नौजवानों से कहना चाहता हूं, परिवर्तन के लिए सोचे, वामपंथी जनवादी शक्तियों को वोट दे, न बिकने वाली ताकतों को वोट दे, जिनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और जो इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन को बचाने की एक सुनी योजित योजना रखते हो, इकोनॉमिक पॉलिसी रखते हो, सोशल पॉलिसी रखते हो, माइनिंग पॉलिसी रखते हो और ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट की पॉलिसी रखते हो, ऐसा न कहें कि हम झारखंड के नौजवानों को झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। इन पाँच सालों में तो करोड़ों नौजवान, लाखों नौजवान निकल लिए। झारखंड और देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री अंजान ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की तरह 2 महीने के भीतर बलात्कारियों को सजा दी जाए। उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भेजे गए पत्र का स्वागत करते हुए कहा कि कृपया इसे लागू करें। हड़ताल चल रही है, बड़ी बुरी स्थिति में उनका शरीर है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं गया। हम इसकी आलोचना करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ 2 माह के अंदर ही जितने भ्रष्टाचारी आरोपी और खासतौर से रेप के आरोपी, इनके खिलाफ मुकदमा चला करके फास्ट ट्रैक में जल्दी निर्णय लिया जाए। ये निर्णय 1.5 साल पहले का लिया गया, लेकिन अभी तक काम नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, अन्यथा सिर्फ ये कह देने से कि न्याय के प्रति लोगों का न्यायपूर्ण रुख न होने से अन्याय होता है, इससे काम नहीं चलेगी। और सिर्फ इस बात को देखने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों के चलते आज बलात्कारियों को लोग घेर रहे हैं और क्या कारण है कि बलात्कारियों का इनकाउंटर हो जाता है और जनता इनकाउंटर का समर्थन करती है। ये क्या सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था के प्रति चुनौती नहीं? क्योंकि 18 साल के बाद, 17 साल के बाद बलात्कार के प्रश्न पर आप निर्णय दे रहे हैं। यहां कल रांची में भी 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, आरोपी पकड़ा गया। मैं मांग करूंगा राजस्थान, ये क्या कहते हैं, झारखंड के चीफ जस्टिस से कि वो राजस्थान के हाई कोर्ट के एक फैसले की तरफ देखें, जहां एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार करने के बाद 6 महीने के अंदर डेली करके उस व्यक्ति को एक लंबी सजा दे दी गई। यहां भी 2 महीने में इस काम को पूरा कर देना चाहिए, और अगर पुलिस इस काम में असफल रहती है आरोपियों के खिलाफ, ये नहीं लिया जाना चाहिए कि CRPC कहता है कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल की जाए। कोई 90 दिन का चार्जशीट नहीं, तत्काल चार्जशीट दाखिल कीजिए वारफुट लेवल पर और उनके खिलाफ कार्रवाई।
सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।